मेरे हमदम मेरे यारा तैनू तकिया दिल हारा, मेरे हमदम मेरे यारा तैनू तकिया दिल हारा, तेरे नावे जान करके मैं छड दूं जग सारा। यारा वादा निभावा प्यार दा मुबारक दिल मैनू मेरे यार दा, तुझको प्यार मुबारक यार मुबारक यार तेरे तो सदके हो जावे मुबारक साथ जड़ा मंगया मैं दुआवा करके, प्यार मुबारक यार मुबारक यार तेरे तो सदके हो जावे मुबारक साथ जड़ा मंगया मैं दुआवा करके। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जगह पे बैठी हुई भाई। ये मेरी जगह है। नहीं पहले पैसे दे। किस चीज के पैसे? भाभी के साथ बैठने के। कितना चाहिए? 50 इसके 50 मेरे। That makes a total of 1 lakh. ये मैं पे नहीं कर रहा। पैसे? नहीं नो नो मनी। नया शहर, नया घर और नए लोग। बाप के घर से शौहर के घर तक का सफ़र मुकम्मल हुआ इस दुआ के साथ कि खुदा नसीब अच्छे करे, वो भी एक अनजान मर्द के साथ। देखने में तो अच्छा है पर मैं कैसे एडजस्ट करूँगी? अब तो फंस गई ज़ारा। तू इधर आ जा, वहाँ पे नम्रा को बैठने दे, भाभी इधर ही है, ठीक है? भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना? हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आखिर बहू किसकी है? अच्छा चलो अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा आराम करने देते हैं, बहुत लंबा सफर करके आई है। ठीक है मैं माहद को भेजती हूँ। फिक्र ना करें भाभी, भैया बस आते ही होंगे। महत जी उठो कमरे में जाओ, ज़ारा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। चलो जाओ।
हेलो। आप कंफर्टेबल हैं? आई ओके? नहीं नहीं, मुझे चेंज करना है, मैं सोना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आइए, मैंने आपके लिए नाश्ता खुद तैयार किया। आए प्लीज। ये जैम हो गया, दिस इज हियर एंड दिस इज वाटर एंड टी आल्सो। दरअसल मुझे आइडिया नहीं था कि आप नाश्ते में क्या पसंद करती हैं। ये होता है ना, जनरली ज़्यादा लोग नाश्ते में यही खाते हैं, मैं भी यही खाता हूँ, तो मैंने ये बना लिया आपके लिए। आप प्लीज़, शुरुआत तो अच्छी है। कोई मसला तो नहीं है, आप खा लेंगी? नहीं। ओके। नमक चाहिए आपको इसके ऊपर के लिए? ये दिस लेंगे आप? ठीक है। अच्छा, और मिर्चें? वो दरअसल मैं बहुत मिर्चें खाता हूँ, आदत पड़ गई है। वो अम्मी बचपन से ना खाने में मिर्चें बहुत डाल देती थी, आपका मुझे पता नहीं है। जैम भी है अगर आपने। I'm sorry, free. I'm sorry. महद, आप ये मेरे कपड़े क्यों प्रेस कर रहे हैं? आपकी वार्डरोब लॉन्ड्री से आई थी, तो मैंने कुछ करने को नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं आप ये आयन कर देता हूँ। अब आपको अच्छा नहीं लगा? जल रहा है वो। क्या जल रहा? नहीं, ओ माय गॉड, आप जी, आई एम रियली सॉरी। जो काम आपको नहीं आता वो करने की क्या ज़रूरत है? I'm really sorry.
Katie posts in chat. Current scientific story. Well, that ain't too good. I mean, honestly. कोशिश कर रहे हैं. Assalamualaikum Nazim. Farhan Qasim. Huge as well because that's Babar Azam. Gonski. कब से अकेले बैठे टीवी देख रहे हो? सुबह से देख रही हूँ, तुम्हारा मुंह भी लटका हुआ है। बीवी कहाँ है तुम्हारी? कमरे में। बुलाओ उसे। बुलाता हूँ। सीरियसली यार, इतने बेकार डिज़ाइंस हैं। मैं होती ना तो इससे बहुत बेहतर बना सकती थी। अच्छा, तुम्हें वो लड़का याद है यूनिवर्सिटी में जो बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाता था, है ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। जी वो बाहर लाउंज में टीवी पे एक अच्छा ड्रामा लगा हुआ था, तो मैंने कहा अगर आप भी आ जाती तो। अब वो एक्चुअली अम्मी भी बाहर लाउंज में है, अगर आप आ जाती तो वुड हैव बीन ग्रेट। ठीक है, मैं आती हूँ। कितना हंस के बात कर रही थी, मुझे तो हमेशा इग्नोर ही करती। ये सारी चीज़ें तो तुमने लिखवा दी हैं, लेकिन जाओगी कैसे? अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। महत बेटा। जी। हमने ये राशन की लिस्ट बना ली है, क्या ही अच्छा हो कि तुम दोनों साथ जाकर ये सारी चीज़ें ले आओ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूँगी खुद। नहीं, श्योर, शुडंट बी प्रॉब्लम। मैं ऑफिस कॉल कर देता हूँ कि मैं आज नहीं आ सकता, और हम जाके राशन ले आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, जाओ ज़ारा, इसके साथ जाके सारी चीज़ें ले आओ। आंटी इसकी क्या ज़रूरत है, मैं कर लूँगी। मैंने कहा ना, जाओ जाओ जाओ, ये लेती जाओ साथ। जाओ। मैं अभी ऑफिस कॉल कर देता हूँ। ओके। चाहतों की ये खबर है, होना तेरा बा असर है, नाम तेरा है मेरी तुझा। दूर होना जाने जाना, क्या करेगा ये दीवाना, मैं हुआ हूँ तुझ पे कुर्बान। मेरे हमदम दिलदारा, दिल दे के दिल हारा, चाहूँगा घर खुद भी ना होगा दोबारा यारा, वादा निभावा प्यार दा। मुबारक
साथ तेरा है हुआ जैसे सवेरा, जी उठा हूँ मैं तो बाखुदा। सामने तुझको बिठा के देखूं मैं दुनिया भुला के, मैं भी अब तो मैं ही ना रहा। तुझसे है ये कहानी, तुझसे ही जिंदगानी, कहता हूँ ये दोबारा, तू ही दिल का सहारा यारा, वादा निभावा प्यार दा। मुबारक दिल मैनु मेरे यार दा, तुझको प्यार मुबारक यार, मुबारक यार तेरे तो सदके हो जावे मुबारक साथ जड़ा मैं तेरा मैं दुआवा करके यार मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम लोग जी? ले आए सब कुछ जो मैंने बताया था? देख लें अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो। वैसे तो सब कुछ ले लिया हमने, आप चेक कर लें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ फिर हम ये सब समेट लेंगे। अरे वाह ज़ारा, बेटा तुमने तो कमाल ही कर दिया। जी भाई, महज जाता था तो ज़्यादा खर्चा करके आता था और तुमने तो बड़ी बचत कर ली। वो एक्चुअली आंटी मुझे आइडिया है इस सब का, मैं अपनी अम्मी के साथ हर रमज़ान में ये सब कुछ करवाती हूँ। इनफैक्ट मैं तो रमज़ान से एक हफ्ता पहले ही मार्च चली जाती हूँ इस सब के लिए। हाँ तो बेटा मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना। जी अच्छा चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है। सो वैसे बहू काफ़ी कमाल की है आपकी अम्मी। हाँ हाँ अल्लाह नजरें बद से बचाए, वाकई है तो कमाल की, और फिर मेरे साथ तो उसकी दोस्ती भी काफ़ी होगी है। बस तुम अपना देख लो। मुझसे भी हो जाएगी अम्मी, सारे घर में नई नई आई है, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ हो जाएगी। समी आप मुझे ज़रा से ही बात करनी है, मैं आता हूँ अभी। हाँ हाँ भाई अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। हाँ हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है। हाँ लोग बहुत अच्छे हैं मगर पता है वहाँ बहुत बोरिंग है। उसको तो ये भी समझ में नहीं आता कि वो मुझसे बात क्या करे। पेरेंट्स के कहने में आप शादी तो कर लेते हैं मगर तुम तो जानती हो यार कि मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मुझे इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, उड़ना था मुझे, पर अब ये सब। हमी वो एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ अभी। महर मेरी बात सुनो। महर आंटी आपने ये कर लिया तो अब हम बनाए पैकेट्स। आंटी महत कहाँ है? कहीं बाहर गया है लेकिन बहुत परेशान। बहुत बोरिंग है। जो काम आपको नहीं आता वो करने की क्या जरूरत है?
अम्मी मैं खाना बाहर खाने जा रहा हूं। आंटी आपने महत को देखा है कहीं? वो तो ऑफिस चला गया, उसने तुम्हें नहीं बताया? बताया होगा, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। ये ले भाई साहब आपकी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। जस्ट द वे यू लाइक इट। यार तेरी कॉफी बहुत मिस की मैंने। और मैंने भी तुझे बहुत मिस किया दोस्त। वैसे कहाँ था तू महत की शादी पे? वही लाहौर, प्रॉपर्टी वगैरह। बड़े लोग बड़ी डीलें हैं। किधर यार, तू उसका बेस्ट फ्रेंड है और तू ही नहीं था शादी पे। यार गिल्ट तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत रही, क्या करता, बिजी था। वैसे महत बहुत खुश था। हाँ और सच बताऊँ तो मुझे भी महत को देख के बहुत खुशी हुई यार। मैंने जब महत को भाभी के साथ देखा ना, एक पल तो मेरा दिल किया कि मैं भी शादी कर लूँ। अरे तो बताओ जनाब, अपना बैंड कब बजा रहे हो? मैं कहाँ यार, काम से फुर्सत मिले तो करो ना। मगर एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी यार, वो शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस आ गया। क्या बात कर रहे यार। हाँ और काफ़ी स्ट्रेंज एक्ट कर रहा था। क्या हनीमून वगैरह बनी गया वो? हनीमून कहाँ यार, वो तो मुझसे सही तरह से बात भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने भी कहा चलो छोड़ो, क्या पता काम का प्रेशर हो, और शादी के बाद इंसान पे प्रेशर आ ही जाता है। किसकी कॉल आ रही है यार? तो काम की पता है। ओहो, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल कॉल्स। यार बात करा मेरी। एक सेकंड। हेलो, हाँ कैसे तू? जी जी, ये आपके जो दोस्त हैं ना, बेस्ट फ्रेंड, ये मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं। हाँ बात कर, ये ले। कैसा मेरी जान? आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, लेकिन तू तो जानता है मेरे काम की नोयत यार। चल सारी बातें एक तरफ, कल हम मिलते हैं और कल अफ्तारी तेरी मेरे साथ है। हाँ ना यार, अपने फेवरेट स्पॉट बैठेंगे चीज़ पे। हाँ ठीक है, हम तीनों पहले की तरह मिलेंगे, बस तू रेडी हो कल मिल मुझे। ओके डन डन डन, अल्लाह हाफिज़। तुझे क्या हो गया यार? मैं नहीं आ सकता हूँ कल। क्यों भाई? तुम अपने काम करके आ गए ना, मेरे भी काम होते हैं और मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं यार। तू और तेरी कमिटमेंट्स जैसे मैं जानता नहीं ना। जी और ये मुझे कौन बोल रहा है जो खुद नहीं आया शादी में? बात तो सही है, चलो उसको मना, लेकिन यार नेक्स्ट तू आ रहा है साथ। देख मेरी बात सुन, तू जा और कोशिश करके मना ले उसको, ऐसे भी काफ़ी नाराज़ है तुझसे। देख ले। ये क्या हाल बना के रखा है यार? भाभी जी से कुछ झगड़ा हुआ? यम्मी जी को बात बोलने लगी? नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 साल से जानता तुझे, तेरा हर इन एंड आउट, सही गलत सब पता है मुझे। खुल के बता यार क्या हुआ? यार मुझे लगता है ज़्यादा खुश नहीं है मेरे साथ, मुझे शादी नहीं करना चाहती, और ये फैसला जो है ना ये जल्दबाजी में हो गया, और तुझे पता है मेरा, मैं मजबूर नहीं करना चाहता किसी। मजबूर क्या मेरी बात सुन, नई नई शादी है, हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, अपने घर से दूसरे घर में आना, सेटल होना, इट्स नॉर्मल। मुझे सोने का दिल है तेरा, शी अंडरस्टैंड यार। मुझे पता मैं कैसे खुश रह सकता हूँ जब मुझे ये पता है कि मेरी बीवी खुश नहीं है उस घर में। देख मैं सजेस्ट करता हूँ कि अम्मी जी के पास जाओ, उनसे बात करो, इन सबको तुझसे और मुझसे बहुत बेहतर समझती हैं वो, ठीक है, कोई बेहतर हल निकल आएगा।
और अभी अपना मूड चेंज करो सर, खाना आया, खाना खाओ, बे ठंडा हो जाएगा। मुबारक मुबारक। प्रेजेंटेशन काफी इम्प्रेसिव है इसकी। खैर तुझे बताया नहीं यार, कैसी रही तेरी महत के साथ मीटिंग? हाँ हेलो, कहाँ खो गए भाई? कुछ नहीं यार, वो बस महत के बारे में सोच रहा था। इतना तो तूने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचा? नहीं यार, बहुत परेशान लग रहा था वो। परेशान तो वो वैसे भी है यार, मैं तुझे बताया था ना, ऑफिस भी आया था तो रूठा हुआ था। और तू इतना परेशान ना हो, अक्सर शादी के बाद इंसान प्रेशर में होता है यार। बात ये नहीं है, उसके और भाभी के बीच में कुछ ठीक नहीं है यार। ऐसी बातें कर रहा था कि मैं रिश्ते में बांध के रखा हुआ है, ज़बरदस्ती का रिश्ता है, पता नहीं क्या क्या। ज़बरदस्ती का रिश्ता? इट्स एन अरेंज मैरिज। ज़बरदस्ती कौन सी यार, तू तो था ना वहाँ पे, कुछ ऑड या कुछ हुआ था वहाँ पे? यार शादी पे तो महत बहुत खुश था, यही तो मैं सोच के हैरान हूँ, तूने महत को आज तक ऐसे नहीं देखा होगा, इतना खुश था वो। और मैंने कभी इतना उदास नहीं देखा, तो उससे पहले का जानता उसे, ये हालत उसकी पहली बार देखी मैंने। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, अभी अभी तो महीना भी नहीं हुआ शादी को यार। और यार इस बारे में महत की अम्मी से कोई बात हुई? कहाँ बात होगी यार, मुझे काम से फुर्सत मिले तो ना, और जहाँ तक बात करने की बात है तो आई थिंक तू आंटी से बात कर सकता है, बल्कि तुझे बात करनी चाहिए। देख महत ने अपने दिल की बात तुझसे की, और ये बात आंटी को पता चलना बहुत ज़रूरी है, महत ने तो कभी उनको बताना नहीं है। यार मैं आंटी को कॉल कर रहा हूँ। तो आंटी से बात कर, और मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम आंटी, नबील बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? नहीं आंटी, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं आ नहीं सका, लेकिन कल मुलाकात हुई है मेरी महत से। अच्छा आंटी, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। महत मुझे बहुत उदास सा लगा कल, नहीं मैं बस पूछना चाह रहा था कि उसकी मैरिज लाइफ सही चल रही है या कुछ अनबन है भाभी के साथ? आंटी देखिए, मैंने उसे यही बोला कि वो खुल के बात करे आपसे, कि जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों को, रिश्ते नातों को आप हमसे कहीं ज़्यादा समझती हैं। बिल्कुल, कि आंटी इस तरह कभी देखा नहीं मैंने महत को, तो ऐसी कोई भी बात है, कुछ भी है, मैं चाहता था कि आप एक बार उससे खुद भी बात करें, उससे पूछें कि मतलब कोई परेशानी है तो आपसे शेयर करे वो एटलीस्ट,
क्योंकि आप भी उसे जानती हैं कि वो खुद से तो कभी बताएगा नहीं। बिल्कुल ठीक है आंटी। अच्छा लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त भी हैं उसके लिए और आप तो है ही हैं। आप उसे समझाएं, थोड़ा उसको बताएं कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, नया नया रिश्ता है, थोड़ा वक्त लगेगा, इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आंटी। बाकी आंटी ये कि मैं आपको भी तंग करता रहूँगा, माँ तो ऑफिस आएगा तो उससे गपशप लगती रहेगी और इंशाल्लाह मैं घर भी जल्दी चक्कर लगाऊंगा। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया। ओके लाफिस लाफिस। ये तुम्हारे मूड को क्या हो गया है, हर वक्त मुंह फुलाए फिरते रहते हो। सम्मी परेशान हूं थोड़ा सा, बात करना चाह रहा था आपसे। देख रही हूँ तुम्हारी परेशानी। अच्छा मुझे बताओ क्या बात है, मेरा बच्चा बताओ मुझे। सम्मी मुझे लगता है ज़ारा ना खुश नहीं है मेरे साथ, शादी का फैसला जो है ना ये जल्दबाजी में हो गया, नहीं होना चाहिए था ये। पागलों जैसी बातें ना करो, अभी से कब आ गए हो? शादी तो एक लंबा सफ़र है और वैसे भी तुम दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज है और ज़ारा को थोड़ा वक्त लगेगा हमारे घर के माहौल में एडजस्ट होने में, इसमें भला परेशानी वाली कौन सी बात है। हमें अगर बात सिर्फ ये होती ना तो मैं परेशान ना होता, उसमें मुझे खुश नहीं लगती है अपने साथ। भाई हो जाएगी खुश वो, तुम फिक्र नहीं करो, अभी चंद दिन पहले ही तो कितनी खुश थी वो, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसे प्यार होने में। अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या बाबा और आपको एक दूसरे से प्यार था? हाँ हो गया था प्यार, लेकिन जाहिर बात है शुरू शुरू में नहीं था। मैं तो तुम्हारे बाबा को जानती तक नहीं थी, बल्कि मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी शादी से पहले। लेकिन अम्मी मैं उसे कैद करके नहीं रखना चाहता, अगर वो खुशी नहीं है मेरे साथ तो मैं उसे रोक के क्या करूँगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे लगता है कि तुम्हें ज़ारा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, सीख जाएगी वो तुम्हें प्यार करना। समझ गए ना? चेयर अप। हाँ
महत जी, वो मैं ये पूछ रही थी कि आप आज ऑफिस से जल्दी घर आ सकते हैं? क्यों? वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को घर बुलाया, वो शादी में नहीं आ सकी थी और मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, कल ईद है तो मैंने सोचा वो मुझे मेहंदी लगा देगी और हम सब साथ में इफ्तार कर लेंगे। ठीक है, आ जाऊंगा। अम्मी सही कर ली मैंने। महब, खाया तो कुछ भी नहीं तुमने? कैसी हो तुम? मैं ठीक। कौन आया? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, ये फातिमा है, मैंने आपको बताया था ना, मेरे बचपन की दोस्त। और फातिमा, ये माहद की अम्मी है और इस घर की रौनक। और ये हम सब की रौनक। और तुम्हें पता है कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, स्पेशली खीर जो माहद की फेवरेट है। जब तुम खाओगी ना तुम्हें भी पता चल जाएगा। वैसे वो कहाँ हैं आपके, नज़र नहीं आ रहे? वो ऑफिस में है, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर तुम मिल लेना। वो तो आता ही होगा, अफ्तारी का टाइम हो गया है, चलो चल के किचन में कुछ बनाते हैं। आज आप रेस्ट करें, मैं और फातिमा अफ्तारी तैयार करेंगे। ठीक है, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चले। ओए मियां, तो बड़ा ही हैंडसम है तुम्हारा, और तुम मुझे कह रही थी बोरिंग है। अरे पगली, अरेंजमेंट में ऐसा धुला मिल जाए ना, दो नफर शुक्राने के पढ़ने चाहिए तुम्हें। इसे बड़ी किस्मत वाली हो तुम। चलो अफ्तारी के लिए देर हो रही है, जल्दी से आ जाओ, चल के टेबल पे लगाते हैं। आ जाओ आ जाओ। आ रही। हमें भी मेहंदी लगा दो, कल से तुम्हारी मेहंदी की तारीफ सुनते हैं। जी जी आंटी, बिल्कुल लगाएंगे, फिक्र की क्या बात है, कहती हैं तो महत को भी लगा दूं। नो नो, थैंक यू सो मच, कीप मी आउट ऑफ इट। मैं मेहंदी लगवा के क्या करूंगा? बहुत अच्छे लगोगे। नहीं नहीं भाई, उसे तो तुम रहने ही दो। वैसे आंटी, मुझे लग रहा है इसको ना रोजा लग रहा है। हाँ वो तो लग रहा है, मैं अभी अम्मी से ये कह रहा था कि बहुत रोजा लग रहा है। टाइम रह गया, खुल जाएगा। लेती हूँ लेती हूँ, तुम्हें ज्यादा भूख लगी, तुम लो। वो तो है। मुझे बताओ मेहंदी लगाना कहाँ से सीखा था वैसे? क्यों बताओ, तुम मेरे उस पे डाका डालना चाहते हो? उससे सीख के क्या करनी है। आंटी मैं चलती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ जारा? शायद रमजान की हेक्टिक रूटीन की वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब है, और वैसे भी मैं यहाँ पे क्या करूँगी? आपकी दोस्त है, आपको पता होगा। आपकी बीबी भी। आंटी ये लेना पकौड़ी। फातिमा चली गई, आप बाहर नहीं आई, उसे लगा आप सो गई हैं। आप तो जाग रही हैं, आपको कम से कम उससे मिल तो लेना चाहिए था। मुझे नींद नहीं आ रही।
क्या बात है सारा, कोई प्रॉब्लम है? क्यों नींद नहीं आ रही आपको? सुबह ईद की नमाज के लिए जल्दी उठना है, आई थिंक आपको सो जाना चाहिए। प्रॉब्लम? आप मुझसे इतने दिन से ठीक से बात नहीं कर रहे, बात करते हुए आप मेरी तरफ देखते तक नहीं है। मेरी हर बात का जवाब आपके पास सिर्फ हाँ और ना में है। अभी आप मेरी दोस्त से किस तरह बात कर रहे थे और मुझसे कैसे बात कर रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहां पर हूं ही नहीं, और अगर हूं भी तो मेरे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सही कहते हैं कि शादी के बाद मोहब्बत चंद दिन में खत्म हो जाती है। शुरू में आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, तो फिर अब क्या हो गया महत? इतनी जल्दी मैं आपको बुरी लगने लगी हूं? बुरी नहीं जा रहा, लेकिन आप तो मेरे साथ खुश नहीं है ना। उड़ना चाहती थी आप, यही कहा था ना, कुछ ख्वाहिशात थी आपकी, ख्वाब थे, एम्बिशंस थे, और मुझे लगा कि मैं आपके आपके ख्वाब, आपके एम्बिशंस और आपकी ख्वाहिशात के बीच में बहुत बड़ी रुकावट हूँ। ये बहुत बड़ा गिल्ट है सर, मैं किसी की जिंदगी में कोई रुकावट बन के नहीं जीना चाहता। मैं इस गिल्ट के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। और मैं आपको कैद करके मोहब्बत भी नहीं करना चाहता, इसलिए आप अपने हर फैसले में आजाद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे पहली नजर में ही आपसे मोहब्बत हो गई थी। बहुत बहुत से ख्वाब सजा लिए थे मैंने आपके साथ, मैंने एक कंप्लीट फैमिली कभी भी नहीं देखी, लेकिन आपके साथ मैं एक फैमिली बनाना चाहता था, खुश होकर जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन क्या फायदा जा रहा, क्योंकि आप तो मेरे साथ खुश हैं ही नहीं। तो भला मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मैं आपको रोक के नहीं रखना चाहता, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी इस फैसले को बदलने में है, तो मैं आपके साथ हूं जा रहा। एक तरफा मोहब्बत उस कब्र की मानिंद होती है जिसका कोई वारिस नहीं होता।
साथ रहकर मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ रहना है। तुझको प्यार मुबारक यार, मुबारक यार तेरे तो सदके हो जावे मुबारक साथ जड़ा मंगया मैं दुआवां करके। प्यार मुबारक यार, मुबारक यार तेरे तो सदके हाल आपको मेरा प्यार मुबारक। ईद मुबारक। चाहतों की ये खबर है, होना तेरा बा असर है, नाम तेरा है मेरी तुझा। चाहूंगा घर खुद भी ना हो।